सागर जिले के राहतगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रहलाद पटेल के मार्गदर्शन में नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाए जाने और वर्ष 2019 के बीमा से वंचित रहे किसानों को फसल बीमा तत्काल उपलब्ध कराए जाने की मांगों को लेकर राहतगढ़ एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस वर्ष 2020 में जो सोयाबीन और मूंगफली मूंग अन्य खरीफ की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिससे किसानों पर गंभीर संकट छा गया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। राहतगढ़ तहसील अंतर्गत प्रत्येक हलका का जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए, अतिवृष्टि फसल आफलन कुफर से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाया जाए, वर्ष 2019 के बीमा से वंचित रहे किसानों को फसल बीमा तत्काल उपलब्ध कराया जाए, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले किसानों को मुआवजा राशि एवं फसल बीमा राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाए। ज्ञापन के संदर्भ में वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और युवक कांग्रेस कार्यकर्ता और समस्त इकाई के पदाधिकारी उपस्थित रहे। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। जो प्रीमियम इन्होंने जमा करवाई है और उसके बदले में किसानों के लिए उनके बीमा राशि नहीं आई, क्योंकि किसान किस आधार पर किसानों से इन्हें बीमा राशि वसूल की है? अगर वसूल की है तो उनके लिए जीमा बीमा हक तो उनको मिलना चाहिए, उनका हक क्यों मार रहे हो आप? इसके संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया। और कौन कौन से एरिया जहाँ मतलब बीमा राशि नहीं आई? ये तो राहतगढ़, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैपिटल बैंक वगैरह, इन सब बैंक मंगलवार तक का समय दिया होगा। क्या रहेगी आगे? उसके बाद हम लोग फिर रोड पर आएंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे किसान भाइयों के लिए। बीमा राशि आप सब लोग जानते हैं कि बीमा का जो प्रीमियम कटता है, चाहे गाड़ी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, यदि बीमा की राशि का मैं पैसा प्रीमियम में कटता है तो ये उचित है कि बीमा मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी क्षतिग्रस्त हुई थी 2019 में, तो सारे लोगों को बीमा मिलना चाहिए। ये बीमा का प्रॉब्लम होता है कि बीमा राशि कटे तो बीमा मिलना चाहिए। और कोई मांगे रही क्या आपकी? हाँ, आगे कुछ आगे हम लोगों ने जो 2018 में भी की बीमा राशि नहीं आई है उस संदर्भ में भी बात की है, और आज उफर अपलन एवं अतिवृष्टि, अधिक पानी और कहीं ज़्यादा पानी कहीं कम पानी गिरने से आज लगभग 90% पूरे किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। उसका भी तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे प्रदेश का जो राजस्व मंत्री है वो गोविंद राजपूत जी हैं। मैं उनको शिवराज सिंह के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं कि आने वाले समय में चुनाव भी है, और यदि वो चुनाव की झूठी घोषणाएं कर सकते हैं तो आज उनको किसानों के लिए मुआवजा देने की उचित व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि अब वो व्यवस्थाएं नहीं है कि किसानों के खाते मंगाए जा रहे, एक क्लिक पर पैसा किसानों के खाते में आ सकता है। 24 घंटे में भी यदि शिवराज सिंह चाहे तो हमारे सुर्ख विधानसभा के एक एक किसान को मुआवजा आ सकता है। ऐसा कौन कौन सा एरिया जहां बीमा नहीं आया? ये अपना सेंट्रल बैंक के नहीं आए हैं, जिसमें कठौंदा वगैरह ये क्षेत्र है और मीरखेड़ी क्षेत्र है, किटुका है, हमारे बटियाला है, पचुआ है, बिनाई की है, झिला है, ऐसे कई गाँव के 10-10, 20-25 किसान है जिनके लिए मुआवजा नहीं मिला। सीओरा ब्रांच और सभी बैंकों का हालत, मुआवजा मिलना चाहिए। यदि मुआवजा नहीं मिलता है, आज चुनाव की जो करेंगे तो हम लोग आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे, और यदि शिवराज सिंह चौहान राहतगढ़ में आते हैं और अपनी झूठी घोषणाएं देके आएंगे तो सबसे पहले ब्लैक कांग्रेस कमेटी उनको काले झंडे दिखाएगी और मुंह पे काले झंडे लगा के उनको मुंह पे तमाचा मारेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।